जिनको भी IBS है वो लोग, आज मैं ऐसी 10 बातें बताने जा रहा हूँ, यदि आपने ये 10 बातों को फॉलो नहीं किया तो आपका IBS जल्दी ठीक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। वो 10 बातें मैं आज बता रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लें, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो हैं 90% आपके IBS, IBD और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि कौन कौन सी 10 बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, जिसमें से पहला है कि आपको यदि IBS है तो आपको रनिंग नहीं करना है, यानी कि दौड़ना नहीं है। दूसरा, कपाल भाती आपको नहीं करना है। कपाल भाती जब भी करेंगे तो ये आपकी नेवल को और भी ज़्यादा अपसेट करेगी। दोस्तों, तीसरी बात है कि IBS का न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अपने नले को ठीक करवा लें, ठीक है। नले को कैसे ठीक करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कुछ घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा, पहले भी बताया है, लेकिन मैं एक वीडियो अलग से बताऊंगा जिसमें सिर्फ नले को किस किस तरीके से कौन कौन सा होम रेमेडीज अपनाया जाए तो आप जल्दी क्योर कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है। चौथी बात, आपको मास्टरबेट तुरंत बंद कर देना है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप समझ गए होंगे, इसे आप तुरंत बंद कर दें, ठीक। पांचवी बात, वेब सीरीज या पोर्न मूवीज देखना तुरंत आप बंद कर दीजिए, ठीक। वैसे तो जिन्हें भी गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उन्हें ये सारी मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। छठवीं बात, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना है, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना है, यदि नींद नहीं आती है। सातवीं बात, यदि नींद नहीं आती है उसके लिए आपको पिल्स नहीं लेना है, दवाई नहीं लेना है, हो सके तो मेडिटेशन और योग निद्रा का प्रैक्टिस करें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको नींद आने लगेगी, ओके। आठवीं बात, फ़ोन पर, हर किसी के पास फ़ोन है, व्हाट्सएप हर किसी के पास है, सोशल मीडिया हर किसी के पास है, उसका गलत इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल का मतलब उसमें कुछ ऐसी जो मैंने ऊपर बताया आपको कि ऐसे कंटेंट नहीं देखना है जिससे आपके अंदर उत्तेजना पैदा हो, ये मेल और फीमेल दोनों पे लागू पड़ता है, दोनों को ध्यान रखना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। फ़ोन पर बल्गर चैटिंग नहीं करनी है, ठीक। नौवीं बात, शाम को जब भी आप डिनर लेने का टाइम हो, आपको आपके डिनर में वाइट वाला चावल नहीं होना चाहिए, ठीक, इसमें आप स्टीम चावल या फिर ब्राउन राइस ले सकते हैं, ठीक। अगर रोटी ही लें तो बहुत ही बढ़िया है, और उसमें भी अगर ज्वार की रोटी हो तो ठीक है, गेहूं आपको नहीं लेना है, गेहूं की रोटी नहीं खानी है, ठीक है। दसवीं बात, जो कॉमन है, तेल वाली और मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ये 10 बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो ही आपका IBS जल्दी ठीक हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और आप हमेशा परेशान रहेंगे और आपके पैसे बर्बाद होते रहेंगे, ओके। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।